क्या खूब लड़ा था वो वीर, गोलियों से छलनी इस बोतल की कहानी जानिए। जब देश पर कोई जवान कुर्बान होता है तो उसकी शहादत पर आंसू बहाकर आप, हम और देश का हर नागरिक अपनी संवेदना व्यक्त करता है। मगर आपने कभी सोचा है कि जब देश का वीर जवान युद्ध के मैदान में बम बारूद और गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच मौत के साथ आंख मिचोली खेलता होगा, तब क्या मंजर होता होगा। आज हम आपको बताएंगे 1962 में भारत और चीन के बीच हुए भीषण युद्ध के दौरान भारत के वीर जवानों ने किस तरह अपने सीने पर गोलियां खाकर देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर किए होंगे। कुर्बानी की ये सारी दास्तां समझाने के लिए गोलियों से छलनी पानी की वो बोतल ही काफी है जो युद्ध की तनातनी के दौरान जवान की प्यास को शांत कर रही होगी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब युद्ध के दौरान पानी की एक बोतल में चार गोलियां लगी हैं तो जवान का बदन कितनी गोलियों से छलनी हुआ होगा। भीषण युद्ध की गवाह बनी भारतीय जवान की पानी की बोतल सोशल मीडिया में वायरल है। यह बोतल युद्ध की खौफनाक और दर्दनाक कहानी को बयां कर रही है। यह बोतल रेजांगला म्यूजियम में रखी हुई है। फेसबुक पर यूपी के हरदोई निवासी रिटायर्ड कर्नल आदित्य प्रताप सिंह ने एक पोस्ट शेयर की है। पोस्ट में शहीद नायक गुलाब सिंह की एक बोतल की तस्वीर भी साझा की गई है जिस पर दुश्मन की गोलियों से बने चार बड़े छेद दिखाई दे रहे हैं। यह बोतल रेजांगला म्यूजियम में रखी हुई है। कर्नल आदित्य प्रताप सिंह बताते हैं कि यह पानी की बोतल 13 कुमाऊं रेजिमेंट के नायक गुलाब सिंह की है जिन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। वह बताते हैं कि इस पर पड़े गोलियों के निशान दुश्मन की फायरिंग का घनत्व बता रहे हैं जो युद्ध की भीषणता को समझाने में पर्याप्त है। कर्नल बताते हैं कि नवंबर 1962 में लद्दाख में रेजांगला की लड़ाई में चीनी मिशन गन से निपटने के लिए नायक गुलाब सिंह ने सीधे हमला किया। इस लड़ाई में उस दिन अमर होने वाले 114 भारतीय सैनिकों में से एक नायक गुलाब सिंह भी थे जो हरियाणा रेवाड़ी के मनेठी गांव में पैदा हुए थे। इस टुकड़ी के 120 वीरों की वजह से आज लद्दाख भारत का हिस्सा बना हुआ है। कर्नल ने अपने पोस्ट में मेजर जनरल इयान कार्डोजो की पुस्तक परमवीर अवर हीरोज इन बैटल का जिक्र भी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस पुस्तक में कार्डोजो लिखते हैं कि जब रेजांगला को बर्फ हटने के बाद फिर से देखा गया तो खाइयों में मृत जवान पाए गए जिनकी उंगलियां अभी भी अपने हथियारों के ट्रिगर पर थी। इस कंपनी का हर एक आदमी कई गोलियों या छर्रों के घावों के साथ अपनी ट्रेंच में मृत पाया गया। मोर्टार मैन के हाथ में अभी भी बम था। मेडिकल अर्दली के हाथों में एक सिरिंज और पट्टी भी थी जब चीनी गोली ने उसे मारा। सात मोर्टार को छोड़कर सभी को एक्टिव किया जा चुका था और बाकी सभी मोर्टार पिन निकाल दागे जाने के लिए तैयार थे। यह संसार का सबसे भीषण लास्ट स्टैंड वॉरफेयर था जहां 120 वीरों ने वीरता से लड़ते हुए 1300 चीनी सैनिकों को मार डाला था और लद्दाख को चीन की ओर से कब्जाने के मंसूबों पर पानी फेर दिया था।